नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। कर्मचारी पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर, पेंशन और ग्रेच्युटी पर बड़ी अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है, केंद्र की मोदी सरकार ने पेंशन और ग्रेच्युटी को लेकर एक बड़ा फैसला किया। केंद्र सरकार ने पहले सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 2021 के तहत एक नोटिफिकेशन किया। इसके तहत सीसीएस नियम 2021 के रूल 8 में बदलाव करते हुए इसमें नए प्रावधान को जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन को रोक दिया जाएगा। नवीं से बारहवीं छात्रों के लिए क्वेश्चन बैंक ब्लू प्रिंट जारी। मध्य प्रदेश के नवीं से बारहवीं तक के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। दरअसल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा कक्षा नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं के लिए ब्लू प्रिंट जारी कर दिए गए। इस बार एमपी एजुकेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ब्लू प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। बीजेपी के आईटी और सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण। आज बीजेपी का एक दिवसीय आईटी और सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। बीजेपी के आईटी और सोशल मीडिया के सुघोष का उद्घोष करते हुए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने यह क्रांतिकारी अभियान अपनाया है, क्योंकि एक बड़ी ताकत जो जमीन पर कार्यकर्ताओं ने खड़ी की, आईटी टीम और पारंगत हो, इसलिए ये प्रशिक्षण कराया जा रहा है। ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, इस बैंक ने महंगे किए सभी लोन। बैंक यूजर्स के लिए काम की खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोन की ब्याज दरों में इजाफा किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने MCLR में 10 से 15 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की घोषणा की, यानी BOB ने कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर 0.15% बढ़ा दी है। इस फैसले से होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन महंगे हो जाएंगे। नई ब्याज दरें 12 नवम्बर 2022 से लागू होंगी। फिर एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, शनिवार से बदलेगा मौसम। अलग अलग स्थानों पर एक्टिव हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश का मौसम बार बार बदल रहा है। अगले 24 घंटे में पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत से आगे बढ़ने के आसार हैं। 11-12 नवंबर से हवाओं का रुख उत्तरी होने से तापमान में गिरावट आएगी और 15 नवंबर के बाद ठंड में इजाफा होगा। 14 नवंबर को नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से बादल छाएंगे और हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। अब चेंज में नहीं, धर्मशाला में रहेंगे इंदौर के MYH में भर्ती होने वाले मरीजों के स्वजन। इंदौर के MY अस्पताल परिसर में बहुत जल्द मरीजों के स्वजन के ठहरने के लिए धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। इसका फायदा MY अस्पताल, शासकीय कैंसर अस्पताल, MTH अस्पताल सहित अन्य शासकीय अस्पतालों में भर्ती मरीजों के स्वजन को मिलेगा। संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने गुरुवार को प्रस्तावित धर्मशाला स्थल का निरीक्षण किया। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, इन परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल MPPEB द्वारा ग्रुप 3 सब इंजीनियर, ड्राफ्टमैन, समयपाल और अन्य पोस्ट कंबाइंड भर्ती परीक्षा 2022 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। एडमिट कार्ड कर्मचारी चयन बोर्ड के उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षक उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, बढ़ाई गई पात्रता अवधि की वैधता। मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षकों को एक बार फिर से बड़ी राहत दी गई। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में चयनित शिक्षकों की वैधता की सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया, जिसका लाभ हजारों चयनित शिक्षकों को होगा। बता दें कि इसके अभाव में प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सकता था। भोपाल एयरपोर्ट के आसपास पक्के निर्माण पर सख्ती। भोपाल के भोज एयरपोर्ट के आसपास का 4 किलोमीटर एरिया रेड जोन में आता है। ऐसे में यहां किसी भी निर्माण के लिए विमानन अथॉरिटी से परमिशन लेना बेहद जरूरी है। बावजूद इसके बिना परमिशन के बिल्डिंग्स बन रही हैं। इस कारण अब 3 विभाग, नगर निगम, TNCP और एयरपोर्ट अथॉरिटी मॉनिटरिंग करेंगे। जल्दी बिल्डर्स एसोसिएशन के साथ कार्यशाला भी होगी। राजीव गांधी की हत्या के सभी दोषी रिहा होंगे। राजीव गांधी हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। अदालत ने सभी 6 दोषियों की रिहाई का आदेश दिया है। इसमें नलिनी और RP रविचंद्रन भी शामिल हैं। ये सभी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दोषी पेरा रिवलन को रिहाई का आदेश दिया था। बाकी दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला देकर कोर्ट से रिहाई की मांग की। नलिनी और रविचंद्रन दोनों 30 साल से ज्यादा का वक्त जेल में गुजार चुके हैं। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।